नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम केवल जीरो यूनिट सोल्ड कार्स जुलाई 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं जुलाई के महीने में एक भी यूनिट नहीं बिकने वाली गाड़ियों के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। इस लिस्ट में पूरे भारत में पांचवें पायदान पर आई है दोस्तों होंडा की जैज। जुलाई के महीने में पूरे भारत में होंडा जैज की एक भी यूनिट नहीं बिकी है। वही जून के महीने में भी जीरो यूनिट बेचकर ये गाड़ी इसी लिस्ट में कायम थी। होंडा जैज के BS6 अपडेट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है। उसके आने के बाद में शायद हो सकता है हमें कुछ बेहतर आंकड़े देखने को मिल जाए। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8 लाख रुपये से शुरू होकर तकरीबन 10 लाख रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है महिंद्रा की TUV 300 N 300 Plus। जुलाई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की जीरो यूनिट बिकी हैं। वहीं जून के महीने में भी जीरो यूनिट बेचकर ये गाड़ी इसी लिस्ट में कायम थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,55,000 रुपये से शुरू होकर 11,30,223 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है दोस्तों महिंद्रा की थार। जुलाई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की भी जीरो यूनिट बिकी हैं। वही जून के महीने में भी जीरो यूनिट बेचकर ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल थी। नेक्स्ट जनरेशन थार का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है। उसके आने के बाद में थार के बारे में हमें शायद बेहतर फिगर्स देखने को मिल जाए। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से अगर हम बात करें तो महिंद्रा की थार आपको 9,51,933 रुपीज़ से शुरू होकर 9,99,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है टाटा की हेक्सा। जुलाई के महीने में पूरे भारत में टाटा हेक्सा की एक भी यूनिट नहीं बिकी है। जून के महीने में भी जीरो यूनिट बेचकर हेक्सा इस लिस्ट में कायम शामिल थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से टाटा हेक्सा आपको 13,70,000 रुपये से शुरू होकर 19,30,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। अब पहुँचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों। इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पर आई है महिंद्रा की अल्टुरस G4। जुलाई के महीने में अल्टुरस G4 की जीरो यूनिट बिकी है। जून के महीने में भी जीरो यूनिट बेचकर ये गाड़ी नंबर वन के पायदान पर कायम थी, इस लिस्ट में शामिल थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से महिंद्रा की अल्टुरस G4 आपको 28,69,000 रुपीज़ से शुरू होकर 31,69,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 5 गाड़ियां जो जुलाई के महीने में जीरो यूनिट सोल्ड कार की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आप इन गाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।